जैसा कि आज अखबार में हमने पढ़ा कि कैथल मंगली के इस कहरी सतवीर रविश को सस्पेंड कर दिया गया है कि नजराना कैथल मंडी में हमेशा चलता रहा, अब की बार एसोसिएशन इसमें फेल हो गया। आर्थिक भी परेशान है, अब ये पता लग रहा है कि मंडी के अंदर पैसा नजराना चल रहा है उन्होंने सेटिंग करके अपना अपना माल उठवा लिया और बाकी जो सामान्य आड़ती हैं वो बेचारे भटक रहे हैं। नहीं, ऐसी स्थिति मैं नहीं कह सकता ऐसी स्थिति है, लेकिन ये तो बात मैं आपको दोबारा भी कह रहा हूँ कि नजराना पूरी तरह से बंद नहीं है। तो वो गेट पास तो अब जो गालमेल हुआ आपस में तालमेल ना होने के कारण, पूरा तालमेल ना होने के कारण ये नजराना चला है। ये एजेंसियों ने भी इसके अंदर पूरा तालमेल नहीं बना के रखा, जिस प्रकार से एसोसिएशन ने कहा भी 6-7-8 चलेगी, उसके बाद के गेट का पास भी करते रहे। हमारा तो ये अभी जो सेक्रेटरी ने हमें फैसिलिटी दी है कैपिटल मार्केट कमेटी ने, ऐसी फैसिलिटी पहले हमें कहीं नहीं मिली, जिससे हमारी यही प्रशासन से सरकार से मांग है इसको बाइज्जत बहाल किया जाए। अतिरिक्त मंडी में कोई पैसे नहीं चल रहे, नहीं चल रहा। बढ़िया ईमानदार आदमी, मतलब 20 सालों की दुकान करते हैं ना, ऐसा सेक्रेटरी पहली बार देखा। जैसा कि आज अखबार में हमने पढ़ा कि कैथल मंगली के इस कहरी सतवीर रविश को सस्पेंड कर दिया गया, ये करीब पिछले साल है जुलाई अगस्त में कैथल मंगली में आए थे और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया जब से आए थे, कैथल के किसानों को, कैथल के आड़तियों को जब से आए हैं कैथल मंगली में कोई दिक्कत नहीं आई। हमें तो यही पता है, गेट पास के बारे में हो, मंडी में बोली के बारे में हो, किसी भी तरह की कोई समस्या कैथल के किसानों को और कैथल के आदतियों को इनके कार्यकाल में नहीं आई। नहीं, गेट पास को लेकर भी और जो दूसरे प्रदेशों से गेहूँ आ रही थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो अनियमितताएं वो पाई गई हैं, जिस कारण उस पर एक्शन लिया गया। अब की बार बाहर से कोई गेहूँ नहीं आई है, पहले का मेरे को नहीं पता, अब की बार कैथल में बाहर से कोई गेहूँ नहीं आई। बिल्कुल गोदाम में 4,000 क्विंटल मिली है, मथुरा से लाई गई, स्टॉक भी लाया, सीधी आई से भी भरती है उसने, मौके पे डीएमयू के सामने पैसे भरे, मार्केट फीस भरी। इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, हमें किसी को इस बात का नहीं है। नहीं, उसके अंदर एक हो रहा है ना, इसके अंदर एक पिक्चर हो रहा है, उसके अंदर जब कनक आती है कोई भी चीज बाहर से आती है तो हफ्ते का समय उसके पास होता है, जिसकी इंटीमेशन उसको मार्केट कमेटी में देनी होती है, एक हफ्ते का समय होता है, वो अपने कार्य जमा खर्च करके एक हफ्ते तक उसकी मार्केट फीस वो मार्केट कमेटी में भर सकता है। जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है, शायद उसको एक हफ्ता नहीं हुआ होगा, तो इसीलिए उसकी मार्केट फीस तब तक नहीं भरी गई होगी, एक हफ्ते का समय मार्केट कमेटी की तरफ से दिया हुआ है। उसकी जांच में ये भी आरोप लगाया कि आड़तियों के साथ मिलकर निरीक्षण कार्य में बाधा पहुँचाने की कोशिश की। नहीं, आड़तियों से तो किसी से किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं थी, ये तो कहीं सेलर में उसने जहाँ उसके गोडाउन पे ये गए हैं वहाँ तो कोई आड़ती गया ही नहीं है। हम जो इकट्ठा हुए हैं आज के दिन, सारे प्रधान जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारा तो इस बात से मतलब है कि जो मंडी के ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है भी मंडी में कोई गोलमाल है, मैं उसके बारे में हम सारे आड़ती इकट्ठे हुए हैं कि मंडी में एक साल पहले हम बहुत तंग थे गेट पास के कारण भी, बिजली के कारण भी, अब सेक्रेटरी साहब ने इस प्रकार की व्यवस्था की कैथल मंडी के अंदर गेट पास के कारण लेने के लिए भाई बड़ी बड़ी लाइन ना लगे, और कोई भी मार्केट कमेटी का अधिकारी उसके अंदर किसी प्रकार का गोलमाल ना कर सके और आड़तियों को जो गेट पास है वो आसानी से मिल सके, इसीलिए हम सभी आड़तियों के बारे में इकट्ठे हुए हैं, वरना सेक्रेटरी तो आते भी रहते हैं और जाते रहते हैं, उसका कोई वो नहीं है। उठान को लेकर भी मंडी में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, कुछ आड़तियों ने जो पैसे चलने के आरोप हैं वो लगाए। हाँ, बात आपकी ठीक है, कैथल मंडी के अंदर पैसे रूटीन में चलते रहते हैं, ये नहीं है कोई नया नहीं है, नजराने की आप हमेशा अखबारों में छापते भी रहे हैं, अखबारों में पढ़ते भी रहे हैं कि नजराना कैथल मंडी में हमेशा चलता रहा है। अब की बार एसोसिएशन ने मिलकर कोशिश की थी कि किसी प्रकार भी नजराने को बंद किया जाए, तो उसमें कुछ हद तक तो एसोसिएशन कामयाब हुई है, मैं ये नहीं कह सकता भी एसोसिएशन में पूरी तरह कामयाब हुई है, लेकिन एसोसिएशन कुछ हद तक कामयाब हुई है, कुछ दिन ये चलाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन बाद में एजेंसियों का साथ ना मिलने के कारण एसोसिएशन इसमें फेल हो गया। क्यों? अब की बार जो गेट पास काटने वो एजेंसियों को काटने हैं, एजेंसियों का गेट पास काटने के चक्कर में एसोसिएशन ने उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एसोसिएशन कामयाब नहीं हुई है।
एक तरफ तो आप कह रहे हो अभी मतलब पैसे चल रहे हैं, दूसरी तरफ अखबारों में विज्ञापन देकर जो एसोसिएशन है वो वाह वाही लूट रही है, अभी कोई विज्ञापन कोई पैसा चल रहा है। नहीं, विज्ञापन में ये बात मेरे को नहीं पता विज्ञापन किस प्रकार से एसोसिएशन ने दिया है, लेकिन ये क्लियर है कि एसोसिएशन पूरी तरह से कोशिश किया है, लेकिन दो तीन दिन से जो अब देख रहे हैं इसमें दिक्कत आ रही है। क्यों? एसोसिएशन एजेंसीज माल नहीं उठा रही है, क्यों? कभी तो ये कहते हैं अभी FCI का लिंक हो गया, मंडी के अंदर माल ऐसे ही पड़ा है, इसके कारण मौसम भी थोड़ा सा ख़राब है, आरती भी परेशान है। अब ये पता लग रहा है कि मंडी के अंदर पैसा नजर आना चल रहा है। आरती पर ये भी आरोप है सर कि प्रधान गुट में कुछ चुनिंदा आरती हैं, उन्होंने सेटिंग करके अपना अपना माल उठवा लिया और बाकी जो सामान्य आरती हैं वो बेचारे भटक रहे हैं। ये रूटीन में आरोप लगते रहते हैं, ये तो आप देख सकते हो उठा के जी, ये रूटीन की बातें हैं। आरोप लगाना विपक्ष का काम है, आरोप लगाना आरोप रूटीन में लगता रहता है। प्रधान ने या किसी में जो भी एसोसिएशन का पदाधिकारी वहाँ बैठा था, मुझे नहीं लगता अभी किसी ने किसी प्रकार का उसमें गालमेल किया है या उन्होंने कोई गेट पास कटवाए हैं। क्या ऐसी स्थिति है कि कुछ चुनिंदा दुकानों का रेंग उठ गया, बाकी आरतियों का रहता है जो छोटे आरतियों? नहीं, मंडी के अंदर तो 14.5 लाख कट्टे आए हैं, 14.5 लाख कट्टे में अप्रोक्सीमेट 1.5 से 2.25 लाख कट्टे मंडी के अंदर पेंडिंग है, तो 12 लाख कट्टे जो मंडी से उठ चुके हैं वो तो कई आरतियों के उठ चुके होंगे, कुछ आरतियों के पेंडिंग भी होंगे। रूटीन तो ये अभी 5 तारीख को ही सीजन स्टार्ट हुआ था, 6 तारीख को सीजन स्टार्ट हुआ था, उस 7 या 8 को लिफ्टिंग शुरू हुई है और आज 20 तारीख ही है। नहीं सर, सवाल ये है कि एसोसिएशन ने सब आड़तियों के लिए एक व्यवस्था बनाई थी कि सबका समान तरीके से उठेगा, आरोप ये है कि कुछ चुनिंदा आड़ती अपना सेटिंग करके गेहूँ उठवा गई और जो बाकी आड़ती हैं जो सामान्य 4 से 5 हज़ार कट्टे वाले हैं उनको उठवाने में दिक्कत आ रही है, उनको पैसा देना पड़ रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये बात आरोप तो जब जिस आदमी ने ये आरोप लगाया इसमें कहीं है मंडी में सर। नहीं, ऐसी स्थिति मैं नहीं कह सकता ऐसी स्थिति है, लेकिन ये तो बात मैं आपको दोबारा भी कह रहा हूँ कि नजराना पूरी तरह से बंद नहीं है, मैं खुली बात है इसमें तो सब आप भी जाओगे आपको भी पता लगेगा मंडी के अंदर। मैं आज कह दूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अगर नजराना देना पड़ेगा तो सबको ही देना पड़ रहा होगा, ये ऐसा नहीं है भी एक आरती को तो नजराना देना पड़ेगा दूसरा आरती को नजराना नहीं देना। नहीं, पहले जो जो जल्दी जल्दी करता है, जब मंडी ने एसोसिएशन ने बंद किया था तो वो नजराने में उठाऊंगा, जो सेटिंग करेगा बिना सेटिंग के तो नजराने के सेटिंग नहीं हो सकती। नहीं, चुनावी मुद्दा होगा ये इस प्रकार का, कमी तो यही रही ना जी, एसोसिएशन ने कोशिश की इस कार्य को करने की, पहले तो एसोसिएशन के हाथ में हुआ करता था गेट पास, अब गेट पास एसोसिएशन के हाथ में नहीं है, जैसे वो पर्ची काट के वहाँ से देते थे, एसोसिएशन बैठी थी एसोसिएशन पर्ची काट के देती थी, लेकिन वो गेट पास उसके अलावा भी, क्यों? इसके अंदर दो एसोसिएशन हमारी शामिल थी, नई मंडी और एक्सटेंशन मंडी, पुरानी मंडी उससे बाहर थी, तो वो गेट पास तो अब जो गालमेल हुआ आपस में तालमेल ना होने के कारण, पूरा तालमेल ना होने के कारण ये नजराना चला है। ये एजेंसियों ने भी इसके अंदर पूरा तालमेल नहीं बना के रखा, जिस प्रकार से एसोसिएशन ने कहा भी 6-7-8 चलेगी उसके बाद के गेट का पास भी करते रहे, ऐसे नहीं है प्रधान वगैरह एजेंसियों से मिलते रहे, लेकिन उसमें कहीं ना कोई कमी तो रही है, तभी तो ये कमी आई है ना जी। भाई असली तो है, हम सिक्योरिटी मार्केट कमेटी के लिए जब हमें इतला लगी तीनों मंडियों को भी सिक्योरिटी को सस्पेंड किया गया, तो मंडी वाले इकट्ठे होकर बोले भाई सस्पेंड किस बात का, समूथली काम चल रहा है, समूथली गेट पास कट रहे, सारी बात ठीक है, जहाँ तक कोई 4 हज़ार कट्टा का रोड़ा है क्विंटल का उसका ना तो कोई मैटर है, ना हमने सिक्योरिटी का मैटर का पता, ना DMU का, ना किसी का। हमारा तो ये है भी जो सिक्योरिटी ने हमें फैसिलिटी दी है कैपिटल मार्केट कमेटी ने, ऐसी फैसिलिटी पहले हमें कहीं नहीं मिली, जिससे हमारी यही प्रशासन से सरकार से मांग है इसको बाइज्जत बहाल किया था। तो कहीं ना कहीं मानते हो जो पे आरोप लगे हैं बेबुनियाद हैं? बेबुनियाद हैं, कोई एक दो इनकी एसोसिएशन का कोई मेंबर होगा मार्केट कमेटी का वो खुंदक भी रखते हैं, क्यों ये समूथली काम सारी मंडियों को अपने साथ लेके चलते हैं। ये तो कहीं ना कहीं जांच पे सवाल उठा रहे हो, जांच पे सवाल उठा लो ना उठा लो, मान्य तो आज तक कभी सुनी जब तक ये सेक्रेटरी कैथल मंडी में है, अपना भाई उठान ठीक चल रहा है, ईद बंद हो गया 2-3 दिन तक, क्यों उधर पैसे चल गए, वो बोले जी माम ठीक हो गए, अच्छा भाई तुम लाते जाओ नरम में कि नहीं आप तो एक जाना था भी आप भी कुछ एक ही उठ गई मंडी में नहीं मैं भी और बाकी में रह गया।
हाँ ये है, ये मंडी वाले साल ही एक जना बोल के गया, बोली इसमें प्रधान के करेगा गड्ढा ही नहीं लाना टाली नहीं, ये भाग्य से डीएम नहीं मिलेगा, आप बगैर पूछे गेट पास क्यों लाद रहे हो, क्यों ट्रक लाद रहे हो जब गेट पास कट रहा है। आप एक बार पूछो तो जी कौन सी एजेंसी का माल उठेगा, या हम बता काम है मंडी ने भाई इस एजेंसी का उठा इसको उठा लियो, हमारे साथ यही काम रह गया। हाँ जी प्रधान जी, जो अतिरिक्त अनाज मंडी में कितनी गेहूँ पड़ी है, क्या कुछ स्थिति है, उठान को लेकर? 60-70 हज़ार कट्टे पड़े जी। हाँ जी, और ठीक उठान हो रहा है। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं जो पैसे को लेकर बातचीत सामने आ रही है, तथ्य सामने आ रही है, अतिरिक्त मंडी में कोई पैसे नहीं चल रहे अभी, कोई पैसा चल रहा नहीं चल रहा जी सर। 38 का आपो गुदू गुदी हो बेच सकते रहे हो बगैर पासा, कल भी उठे गाड़ी और आज भी उठना है, जाएगा पूछ लियो जी, मौका पर देख सकते हो आप जी। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं आप भी जो मार्केट कमेटी थी उसका समर्थन करते हो? हाँ जी, समर्थन करते हैं, बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी, मतलब 20 साल हो गए दुकान करते हैं ना, ऐसा सेक्रेटरी पहली बार देखा, तो उस मंडी में नई मंडी बनी है, उसमें बिजली की भी पानी की भी सारी चीज़ें ही दिक्कत आती है, तो ये खून में ही सारे काम कराए, आधी रात ना कर लिया चाहे सवेरे कर लिया सांझ ना कर लिया, गले टेंट सारी बात कर गले सुविधा मिले। जी